अरे भागो भागो भागो, माइंस है माइंस है। इसको लगाते लगाते इन लोगों ने पूरी रात बिता दी। 3 बज गया, 3 बजे इनको पूरा सन्नाटा दिखा कि भैया ये तो टिफिन है, ये रेगिस्तान में ये तो टिफिन है। अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया कि हमला करो। तो कुलदीप सिंह जो थे चांदपुरी, उन्होंने बालू के बीच में ऐसे गड्ढे बना रखे थे और अपने फौजियों को ना 2 किलोमीटर एरिया में बिछा दिया था, एक उधर एक इधर एक इधर, तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को लगी ना कि भैया हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया है, 120 गो मिल के ऐसे थोड़े मारेगा सब। सोच रहा उधर से गोली इधर से गोली, धड़ाधड़ बम गोला दारू सब चल रहा है यहाँ पर, इतना भयानक कहीं कोई 120 आदमी मिल के ऐसे मारता है? नहीं भाई, इतना भयानक ऐसे सुनसान एरिया में कहाँ से कौन मार रहा है, एकदम तबाही मचा दिया। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या तबाही मचाया था आप देखना चाहते हैं तो देखिए उन लोगों ने क्या तबाही मचाया था। ये है पाकिस्तान का टैंक, ये धज्जी उड़ गया था टैंक का, थुथुर तुर दिया इसका यहाँ पे। ये देखिए टैंक का, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का होकर फेंका गया। बताइए ये चांदपुरी साहब कैसा करना चाहिए, ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं? मार के धज्जी उड़ा दिया। अरे पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया, आराम से मारिए। ऐसे एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं बेचारा सबको। पाकिस्तान के टैंक को धज्जी उड़ा के उस पर भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। फोटो खींचे, फोटो खींचे, उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचना, फोटो खींचे, यहाँ पे आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देगी। बताइए इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए, हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है? हाँ अरे ब्रिगेड मेजर साहब आप भी, बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए। देखिए इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का, ओहो ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर में, सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो पूछ डाल रहा पूरा, एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। इनके आगे कौन खड़े थे? ब्रिगेडियर पाकिस्तान के, ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब को कहने लगे भैया ये तो बहुत बुरा मार रहा है सब। तब तक हो गया सुबह, और सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज थे, उस समय जो जहाजें थीं वो हंटर जहाज थी। ये हंटर जहाजें रात में नहीं उड़ सकती थी, लेकिन दिन में उड़ सकती थी। रात भर तक कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूंचा पाकिस्तानियों को, इतना कूंच दिया कि भोर हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान जब आए सब तो इतना भयानक तबाही मचाए सब पाकिस्तान के जहाजों का कि आप हुलिया देखेंगे ना पाकिस्तान के टैंक का, ऐसे पड़ गया ये सब टैंक, पूरा तबाह हो गया है सब, पूरी तरह ध्वस्त हो गया इतनी भयानक युद्ध में। 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की और ये 4 तारीख का शकल देखिए पाकिस्तान का, इतना भयानक धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान का जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तानियों को दुम दबा के भागना पड़ा, ब्रिगेडियर साहब भागे, कहें कि भाग भैया न तो ये सब जान ले लेगा सब। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने यहाँ रख लिए हैं म्यूजियम में, आज भी जाके देखिएगा ना तो इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए कि भागो भाई यहाँ पर। ये 120 जवानों का जलवा था। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे? अरे भैया हम चीन पे वीडियो बनाए थे, आप पे नहीं बनाए थे, जो आप लोग हम लोग को बोल रहे थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की औकात नहीं। देखिए अभी हम आपको औकात दिखाते हैं आपकी, ये आपका टैंक है, आके ले जाइए, हिम्मत है तो लेके जाके दिखाइए यहाँ पर। हाल तो ये हो गया था ना कि हम लोगों ने जो पाकिस्तानियों की जान ली थी ना, डर के मारे वो लाश उठाने नहीं आए थे, लाश को गिद्ध खा गए थे सब। हम लोग बोल रहे थे कि भैया हम गोली नहीं चलाएंगे, लाश लेके चल जाओ। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिए हो, रेगिस्तान को कब्रिस्तान, हम लोग हमला करने आए थे, शुरुआत तो तुमने किया था यहाँ पे, तो ये गिद्ध खाए थे सब, सफाई उफाई का काम ये किए थे सब। अब पाकिस्तान हम लोग को धमकी देता है, आज भी वो नहीं सुधरे हैं। आज भी हमने जो चाइना पे वीडियो बनाया था उस पे वो हमको धमकी देता है कि भारत की आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अरे भैया आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा, जानते हैं क्यों? देख लीजिए इधर अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रहा है? आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज़्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए। हमको तो यही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं भाई, समझ में आया आप लोग को? तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान ने जो हार हुई थी लोंगेवाला में, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया कि ससुरा 120 गो मिल के ऐसे कैसे धो दिया सब। बताइए इतना भयानक धोए जाता है। तो ये शुरुआत तो इन्होंने किया 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी, नेवी कहे कि भैया आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए, रात में आर्मी धोई सुबह में एयरफोर्स धोई, हम नहीं धोएंगे क्या? हम भी धोएंगे।
नेवी कब पहुंची, 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंच गए। और कराची में जब पहुंची ना तो कराची को तबाह कर दिया, इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची पर कि कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा था। और कराची बंदरगाह को तो उन्होंने ऐसा धज्जी उड़ाया जिसे लग रहा था सिंधु सभ्यता बना दिया उनको, तो पाकिस्तान की पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि ससुरा सब बोल रहा था सर कि हम इधर डिफेंसिव है, यानी ज़्यादा हमला नहीं करेंगे, ज़्यादा हमला इधर करेंगे, ससुरा इधर कैसे मार रहा होगा सब, अभी इधर भी बताते हैं कैसे मारा सब। ये कराची पहुंच गया, आप देखेंगे क्या हाल किया था सब कराची पे। कराची में जब मारा गया था ना इन पाकिस्तानियों को, तो ये पाकिस्तानी भाग गए थे सब ग्वादर में, ये ग्वादर भाग गए, अभी इनसे ग्वादर भी जाने वाला है, पूरा राज्य चला जाएगा इनसे बलूचिस्तान, छुप के गए थे लोग ग्वादर बंदरगाह पे। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप खुद पता कीजिएगा अपने यहाँ के इतिहास में भाई हिंदुस्तान, ये ग्वादर बंदरगाह पे छुप गए थे सब। आप देखिए कराची का क्या हाल हुआ था उस समय, हमारे एयर नेवी ने क्या हाल किया था, पाकिस्तान का जितना जहाज बस मिल जाए कि भैया ये जहाज किसका है, तो भैया जब पता चले कि भैया ये जहाज पाकिस्तान का, ये हाल हो जा रहा था जहाज का, यहाँ देख लीजिए इनका पूरा ध्वस्त कर, भैया ऐसे मारा जाता है, हाँ अरे भाई बच्चा को बच्चा की तरह मारना चाहिए, इंडिया की नेवी ने भी हद कर दिया, बताइए इस तरह मारा जाता है, हाँ यहाँ देख लीजिए पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया इन लोगों को, अरे भाई बच्चा है बिगड़ गया है तो थोड़ा सा आराम से ना मारिएगा, कि देख रहे हैं इस तरह से मारा पूरा पाकिस्तान के, कराची बंदरगाह उड़ गया। तो पाकिस्तान का तो इधर से तो पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया। अभी शुरुआत हुए युद्ध के केवल 2 दिन हुए हैं, आप दिल थाम के रखिए अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। 3 दिसंबर को स्टार्ट किए, 4 दिसंबर को हम लोग लोंगे वाला धो दिए, अब 5 दिसंबर को कराची। अब पाकिस्तान ने ना भारतीयों को तबाह करने के लिए भारत का सबसे खतरनाक जहाज था INS विक्रांत, INS विक्रांत को बर्बाद करने के लिए ना इसने यहाँ से भेज दिया INS PNS गाजी को। गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया कि जाके मार के आओ किसको, विक्रांत को, क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आ जाती। तो ये गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग एगो खराब जहाज से मार दिए। तो अब इधर समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोए तो इधर कितना बुरा धोए होंगे, इसको बारे में हम लोग समझते हैं। भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की इसको ध्यान से समझें। ये मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पर रेप किया, मर्डर किया, और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से हमारा एयरफोर्स, ये तबाह कर दिए थे, इनको भागने के लिए भी जगह नहीं था। और इसी में इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी, क्योंकि इनको जो मदद थी, देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान है, इनको मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा। अब बताइए यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ़ भी नहीं होगा जो इधर से मदद करने जाएगा, रास्ते में ही एयरफोर्स मार के गिरा देती थी, ट्रक वगैरह जाएगा नहीं, तो नेवी से ये इन लोग मदद देते थे। भैया यहाँ पे जो इनके फौजी लड़ रहे थे उनको खाना पीना भी खत्म हो गया था, अब इनको बर्बाद कर दिया भारत INS विक्रांत। INS विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था इस साउथ एशिया के देशों का, और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी, वो एयरफोर्स यहाँ से भी बम मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाजें और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था जो, ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना आए। मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान में, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इधर हम लोग ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगांव, अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये विक्रांत है, विक्रांत जहाज जो था इस पे से, इसके ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखेंगे। PNS गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई कि तुमको जाना है और इस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है। अब पाकिस्तान वालों का इतना दिन तो अच्छा था नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी, वो समुंदर के अंदर अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है, पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर, ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा दिए, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे के रखने लगे। और इस PNS गाजी जो था, आप PNS गाजी को देखेंगे, PNS का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, PNS गाजी, ये मारने आ गया किसको, विक्रांत को। इस PNS गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था INS राजपूत। लेकिन ये जो INS राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था इस INS राजपूत के साथ, क्योंकि इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये बिगड़ गया था,
और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम पे बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, इंजन ही गड़बड़ हो गया था। तो भारतीयों का यहीं पे दिमाग काम आया, भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम पीएनएस गाजी को खुद बुला के लाएं, कहाँ पर, विशाखापट्टनम पे। तो लोगों ने कहा कि भैया ये आएगा विशाखापट्टनम में कि आओ आईएनएस राजपूत हमको मार दो। तो कहा कि नहीं, देखिए कैसे आएगा। भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ ना कुछ जासूस होंगे और वो पाकिस्तान को पल पल